जिन गुर की कीर्ति चा
मालक ज्ञान दे महासागर भगत वशन राजान राज पानान पान दीवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर संगत स्वरूप आप जी जिन्ने शरीर जुड़े हो मन बिरतियां दी एकाग्रता रसना दी पवित्रता वास्ते हाजरी लवाओ कोई रसना अजे ही ना होवे जो वांझी रह जाए सारी संगत आखो सतना 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 श्री वाहेगुरु धन है सतगुरु और धन हन सतगुरु नू समर्पित गुरु के सिख जिथे गुरु के परमेश्वर दे प्यारियां दी बात सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप पाउंदे है और वचन करदे ने गुरसिखां की हर धूड़ दे टहल करो तेरी दास की मेरी खलों मौजड़े भाई गुरदास जी फिर गुरु रामदास महाराज वचन करते ने जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरे नाम जपा ले गुरु परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत उन्हां दे चरणां दी धूड़ गुरु खुद कह रहा मैं मंग रहा फिर नाल दूजी हदायत भी है जो ना भजन ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शन मन मुखा नालों ਤੁਹਾਡੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆ ਦੁਗਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਸਮਝੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਇਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸਮਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿਓ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈ
जां अकल करके बाबा ये सोचना बनता सी बाबे उम्र करके नहीं बाबे अकल करके है बाबा 12 वरिया का है बाबा 4 साल का है बाबा 5.25 वरिया का है और बाबा 7 ते 9 साल का है इत्थे 17 दे भी उदा ही तुरे फिर रहे हैं समझ ही कख नहीं खैर उम्र छोटी अवस्था बजुर्ग बाबियां वाली बजुर्ग तो भाव जिदे जिन्ना सियाना कोई नहीं पढ़िया लिखिया कोई नहीं ज्ञानवान कोई नहीं उन्हों बाबा ते बजुर्ग शब्द वरत्या जाता है इसलिए आख्या दसो सवाल की है बाबा अंत का हल भी कोई है काल का हल भी कोई है तन मिट्टी च मिट्टी हो जाता है यदा भी कोई हल है बड़े अहम सवाल ने धन गुरु नानक साहब कहते हाँ अंत का हल बेअंत है काल का हल अकाल है तन मिट्टी च मिट्टी होने तो पहला मन नू नूर करना हो आख्या फिर बाबा वो किस तरह हो कहते सेवा ते सिमरन नाम दे नाल नाम किवें कर सकता है कहते दुनिया ते कुछ नहीं सी नाम सी दुनिया ते कुछ नहीं होना नाम होना है मां दे पेट विच पुठे लमकियां नू नाम रखता है जिद्दर धरती तो चले जाना है नाम ने नाल जाना है इसलिए नाम हमेशा ही है परमेश्वर हमेशा है जो अंत का अंत करना हो बेअंत विच परमेश करना जरूरी है सत वचन पर एक ख्याल रखियो नाम ते भरोसा रखियो अपने भरोसे नू डोलन ना दियो हर इनकारी ना होयो बाबे दी सेवा च लगे आख्या बाबा बाबे ते बहुत आए बड़िया नू जल पानी छकाया मौका मिलिया वेखण दा सुनण दा पर तेरे वर्गा बाबा नहीं कोई वेख्या बाबा तेरे बोलां च बड़ी करामात है बख्शिशां ने तेरी छाती नाल लग के निग मिलिया है ये साडी तोड़ ने बजाए बाबा और उस बाबे ने फिर सेवा शुरू की बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु अंगद देव महाराज गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जन साहब गुरु हरगोबिंद साहब तक दस्तारा भी आप ही देंदे ने ते सब तो पहला मत्था भी ये बाबा टेकदा है ते जिस ते मोर गुरु घर ते बाबा बुढ़ा ला देंदा है उस मोर नू कोई चैलेंज नहीं करता और इस बाबे ने इन्ना ख्याल रखिया जे पुत्ता ने भी कोई किसी वाद घाट की गल की बाबे ने गुरु नानक दे पुत्तां दी गल नहीं कीती बाबे ने बाबे दे सिद्धांत दी गल करके बाबे लैणे दी गल कर दी गुरु अमरदास जी नाल खड़ गए ये प्रोटोकॉल बन गया बाबा ये दूजियां नू उहदे वंडण वाला पर आप उहदियां विच है नहीं किन्नी वड्डी बख्शिश बाबा बुढ़ा साहिब जी नू इह नसीब हुंदी है इत्थे बस नहीं उह भी देण आए कदे गुरु रामदास महाराज जियां नाल गुरु अर्जन साहब जियां नाल सेवावां निभाईयां वड्डियां सेवावां कीतियां अजे भी घोख लिया जिहड़े बाबे दे शब्द अंत तो बेअंत तक लै जांदे ने इन्हां शब्दां नूं इस खजाने नूं ज्यों दा त्यों रखणा है ये मुख सलाहकार भी ने गुरु घर दे और इत्थों तक इस बाबे ने कमाल कीती धन गुरु अर्जन साहब जी तो सारी बाणी महाराज जिया दे नाल हो के एकत्र कीती भाई गुरुदास जी को रल गड ना हो जाए कीर्तन च फर्क ना पै जाए उन्हों ज्यों दा त्यों रखना प्यो दादे दे खजाने नू बाबा बुढ़ा साहब ने बहुत घालना घालिया ने और वीर कह रहे सन भाई सुविंदर सिंह पड़ताल सी मैं रीत गा रहा है पर हुण ते वीरा जी उन्होंने रीतां नू भी भंगड़े बना दिता जाके राग विच्चों ही रीत उपजी हुई है वक्री नहीं सूरज दियां किरणां ने यह सागर की बूंद है यह पहाड़ का किनका है रीत वख नहीं पर रीतां नू अज भंगड़ा बना दिता है ते कीर्तन नू गावनी बना के पेश कीता जा रहा है ते जिहड़ियां बीबियां सिर खिला के खिलार के शराबां ते गाने गाउंदियां ने उह तुहाडियां स्टेजां ते चुन्नी लै के कीर्तन करके ब्रह्म ज्ञानी बनियां होईयां ने इह बाबे ने नहीं होण दिता इह बाबे ने कंट्रोल रखिया सी उस वक्त इदां दे कीर्तनीए नहीं चाहीदे लोड़ नहीं इहनां दी
बड़ा ख्याल रखिया, बड़ी बरीकी दे विच पहरेदारी की। बाबा बुढ़ा साहब ने उत्थे पृथ्वी चंदा दियां मुश्कां बन दित्तियां, भावें गुरु पुत्र है बाणी नाल शेर शर परवान ने। कीर्तन गुरु नानक का शब्द है, असी कीर्तन नू चैलेंज करके गावनी बना रहे, ये गलत है। हर हर मंदिर नू हरी मंदिर बनाया जा रहा है, ये गलत है। गोल्डन टैंपल गुरुद्वारे नू कहना गलत है। टैंपल नहीं हो सकता गुरुद्वारा, और टैंपल गुरुद्वारा नहीं हो सकता। कदे मसीत नू टैंपल आखिया, कदे चर्च नू टैंपल आखिया, तुसी गुरुद्वारे नू स्वर्ण मंदिर गोल्डन टैंपल ते हरी मंदिर क्यों कह रहे हो? ये बाबे ने ध्यान रखिया सी उस वक्त, सानू भी कहा सी ध्यान रखियो, बाणी च रलगड़ ना हो जाए, बाणी ना शेर शाड़ ना हो जाए, कीर्तन दे विच फर्क ना पै जाए। बाबे ने नानक तो खुद कीर्तन सुनिया होया है, नाल बह के कीर्तन करन दी ਉਹ ਦਾਤ ਨਸੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 98 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਕਦੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਰਾਬਾਂ ਤੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦਊ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਕਰੋਨੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ, ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਦੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ,
सिखी कमा दी है। नमूना है बाबा बुढ़ा साहब और कमाल दियां ये दातां दित्तियां सवावां नभाइया गई ते अज ओ भी समा आया ग्वालियर दे किलियां च जदों गुरु साहब जांदे ने ते सिखां ने पुछिया महाराज पिछे कौन ध्यान रखू आखिया जिथे बाबे बुढ़े होण उथे कोई किसी किस्म का भय डर ना रखियो है ना ये बजुर्ग सिर ते खड़े और बाबे दी पालकी नू मोढ़ा लाया गुरु हरगोबिंद साहब ने अज असी अपने हैड ग्रंथी दी अर्थी नू मोढ़ा देन नू तैयार नहीं इत्थे पालकियां नू मोढ़े लगे। फिर आ पिछले दिनी मैं पढ़ रहा सा एक बेचारा पाठ करदा सीगा घर दी छत डिगी ते थले आके नौजवान मर गया। जदों मर गया ते गुरुद्वारा कमेटी हरियाणा कमेटी दिल्ली फलानी कमेटी उहदे घर मुआवजा देन चली गई। मरिया दे मुआवजे देन वाले हो लख लानत है तुहाडे जिउंदे जी उहनां दा मुल पाओ। वजीर रुल गए मर रहे ने दिहाड़ियां करदे नजर आउंदे ये केड़ी साडे वास्ते सांभण वाली गल सी ते वजीरा ने अपनी जिम्मेवारी भी किते ना किते छड्ड दित्ती वो जम्मण मरन दियां अरदासां च पै गए उदों अगे निकले असी ते मुक्त होणा सी इहदे तों। ज्ञानी जी नूं मरे बापू दा बिस्तरा जरूर दिंदे आ पर वसीयत अपनी ना करा लैंदे बिस्तरा अगे मिलना है वसीयत मैनूं चाहीदी है इहो जे भरम पाले होए कि ज्ञानी नूं चबड़ा दिओ बिस्तरे दे चक्कर च आपे नूं दबे पैंदे रहे निकलो आप उहदे च ये साडा कंसैप्ट सिक्खी दा नहीं है। कीर्तन कथा नाम जपना कर्मकांड नहीं है ये कोई रसम नहीं है ये हकीकत विच गुरु दा हुकम रजाई चलना एको नाम हुकम है नानक सतगुर दिया बधाई दियो इते लाइन ऑर्डर है मनना है इनू चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो बाबा बुढ़ा साहब जो भी समा आया सतगुरु शरीर छड़ना है हुण मगरले दर्शन भी दे दियो। सतगुरु आप रमदास की धरती ते चल के गए सतगुरां ने जपजी साहब का पाठ किया ते जदों शरीर त्यागण लगे जपजी साहब संपूर्ण होया जिन्नी नाम त्याया गै मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती ते बाबा जी अखां मीट गए कोल बैठे सिखां ने पुछिया सतगुरु अज तुसीं वी शरीर विच बाबा भी शरीर च कल नूं तुहाडे दोवां दे शरीर नहीं होणे क्योंकि शरीर जाना है ते फिर सिख की करनगे। आखिया सिखो अपने जम दे बच्चे नूं गुरसी मूल मंत्र दी दिओ गुरमंत्र दी दिओ जदों उहनूं सुरत आए उहनूं गेमां मोबाइल वट्सअप ना दिओ उहनूं 35 पढ़ाओ 35 पढ़न तों बाद उहनूं जपजी साहिब विखाओ कुछ ना विखाओ दुनियादारी दा जपजी साहिब सुणा दिओ उहनूं कंठ करा दिओ। जम दे बच्चे नूं जपजी साहिब सिख ने कंठ कराउणा है ते जदों 125 साल दा बापू दुनिया तों जाण लगे उदों पुत सराणे बह के जपजी साहिब दा पाठ करो ये तुहाडी यात्रा सफल हो बाणी च जमे और बाणी च समा गए ये दात गुरु ने सानू दित्ती असी छड गए। आओ बाबा बुढ़ा साहिब जी दीआं महान दातां नूं याद करिए कथा कीर्तन पहरेदारी नूं बहाल रखिए और सतगुरां दे पावन बचन धन जन्म ताही को गए किन्ना दा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर सिख कौन है मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोई नानके लशन नौ द्वारे साध साध कहाया उस स्वादु ना होवे उस साधु होवे इत्थे ते उह साधु हुंदा जिहड़ा 1.5 लाख दे बूट पावे ते 50,000 दी सवाई हुंदी है चोले दी उह बाबे नहीं सानू चाहीदे ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 250 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ अपने नाते मरला नहीं रखी अज भी सरकारी खालसा दे नाम बोलती है
वो बदकिस्मती साड़ी असी छड़ी बैठे, असी दावा ही नहीं कर रहे साड़ी, पर उन्हें तो अपने कोले कुछ नहीं रखिया, जो कुछ है सो तेरा दे दिता तुहानू। आओ अज बाबियां दी संगत करन वाले हो, मन मुखां नालों दोंगला पन अंदर नहीं रखना, भी गुरु घर मत्था भी टिकना है ते गुरु दी गल नहीं मननी, लंगर भी लाउणा है ते चोरी भी करनी, गाउण वालियां दे मगर भी सुनने, भंगड़े भी पाउणे ते सिर मार मार कीर्तन भी करना, ये दोगले सिख नहीं हो सकदे। शराबां भी बार बनाउणे ते उत्ते प्रकाश भी रखणे घर च, थले बार उत्ते प्रकाश, ये कड़ी सिखी लई फिरदे। इन्हां तों बचियो, इन्नी चाहीदी। फिर इत्थों तक एक कैटागिरी वह है कृपाना पा के झूठ बोलती है, महाराज जी हजूरी च बोलते हैं। एक वो ने बिना अमृत छके ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को समझी बैठे, ये नहीं चाहिए। इत्थे तां समर्पित चाहिए ने, जो गुर कहे वो चाहिए। गुरु के हुक्म नूं कमाउणा हो, गुरु के हुक्म नूं मनना हो, गुरु का भय रखना हो, संगत का डर भी रखना है, ते संगत का नुकसान ना होवे साडे करके, ये भी ख्याल रखना है। सो आओ बाबा बुढ़ा साहब नूं याद करते हुए, अज भी पृथ्वी चंदीए, राम राइए, धीर मलीए, नारायण महंत, बाई मंजियां जिहड़ियां बाबा मक्खण शाह ने खड़ियां कीतियां सी, परवाह नहीं कीती बाबे ने, ये कह लिए 22 MLA MP ढाल है जी उस वक्त, पर गुरु तेग बहादुर साहब नाल खड़ गया। असी इलेक्शन दे चक्कर च पै के बहु गिणती नाराज ना हो जाए सच नहीं बोलना, असी बहु गिणती नूं सच दसना हो, सच की है। ते गुरमुखो कदे बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह, शहीद भाई लक्ष्मण सिंह, ते कदे 12 अक्तूबर नूं वी दिन आया जेडे करीम बख्श मौलवी मुसलमान तो सिंह सज के रुकन दीन भाई महताब सिंह बन के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुढ़ बन दिंदे आ। गुरुद्वारियां दी आजादी लई गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर शुरू होंदी है गुरुपंथ वास्ते, ते अज फिर तुहाडी जरूरत है, अज भी उही कुछ है, बाणी ते अटैक, गुरु साहब ते हमले, गुरु साहब नूं खत्म कर दिओ। 328 पावन स्वरूप चोरी हो गए, 204,536 अंग लापता हो गए, 992,886 अंग चोरी छप गए, 982,700 रुपया गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्याही ते कागज खा गए, पेश नहीं गई शब्द खा जाते लगे हुए आ, 10 लाख फर्मे प्राइवेट बंदियां तो फड़े गए, सैकड़े स्वरूप अग की भेट चढ़ गए, 125 स्वरूपां की बेअदबी हुई सतगुरां दे, 61 स्वरूप चोरी तैयार कर ले गए, और इन्ने वड्डे क्रिमिनल केस नूं अकाल तख्त की आग्या नाल ईश्वर सिंह एडवोकेट ने 3 साल की पड़ताल की, 15 to 18, बाकी 2000 तो लैके 15 to 18 to 24 तक पेंड गए, 3 साल की है मैं गल रख रहे हैं। वो कहिंदा है क्रिमिनल केस है, जागत जोत एक्ट अनुसार इन्हों दोषियों ते कार्रवाई बनती, इन्हों जेल च बंद कर देना चाहिए, इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब ते हमला किया है, और उहदे वास्ते सिखां ने आवाज दित्ती ते कुट मार करके उन्हां नूं हॉस्पिटल ते जेलां च पहुंचा दिता गया। 4 November 2020 किसानी मोर्चा नहीं सी अजे लगा, अज तक तंबू ला के उत्थे बैठे हुए, ना ते कोई बाबा पहुंचिया, ना कोई जथेदार। मैनूं रोस हुंदा है जिन्हां ने कीर्तन करके, कथा करके घर बनाए, अरबां रुपया कमाया, गुरुद्वारे डेरे बनाए गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके, अज उन्हां दी जबान नूं जिंदरा वज गया, गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते नहीं बोले। की यह सिखी है? चोरां दा साथ देने हो, ते गुरु साहिब कहिंदे चोर की हामा, और इहना कोई मेरी गल छड्डो, गुरु दे बचन ते आओ, ये विरोध नहीं सच्चाई। सरकारां चोरां दा साथ दे रही है, प्रशासन कठपुतली है,
अदालत तरीका दे रही ने इंसाफ नहीं उन्होंने हालात च मैं थोड़ा बेनती कर रहा इतने बस नहीं जेड़ी भीड़ बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास जी ने सेवा निभाई सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सरूप लिखे गए वो एक करतारपुर आए ने कि एक भाई बनो लै गए सन महाराज जी ने भाई बनो वाली भीड़ प्रवानी की छेड़छाड़ हुई है फिर जिहड़ी करतारपुर वाले सी ये देण तो मुनकर हो गए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आत्म शक्ति नाल अनुभव नाल ओ गुरु जोत दे नाल एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक जिहड़ी दमदमी भीड़ सानू दित्ती उहदे ते मोहर लाई ओ साडा गुरु ओ साडा दस्तावेज है अज पुछोगे इन्हां जथेदारां नूं कित्थे सरूप पुछोगे साडा गुरु कित्थे है कोई पुछण नूं तैयार नहीं कोई दसण नूं तैयार नहीं उदों बाद ओ लड़ी वार नूं पदछेद क्यों कीता गया जिहड़ी लिखी जांदी सी मशीनां च छपणी शुरू कीती ते मशीनां च छपण तों बाद ओ पीडीएफ किवें निकली उत्थों जदों कि सारे अधिकार अकाल तख्त दी सरप्रस्ती हेठ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दित्ते गए कि गुरु ग्रंथ साहिब तुसीं सेवा करनी है तुसीं सरूप तैयार करवाउणे होणगे तुसीं बिरत सरूप जमा करने होणगे तुहाडी जिम्मेदारी है आम बंदा ना छाप सकदा है ना संस्कार कर सकदा है ये कोई आम किताब नहीं आम कविता नहीं आम ग्रंथ नहीं ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ये जागत जोत है पर कमाल है अमरीका च रहन वाले सिर फिरे थमिंदर वर्गिया ने 1000 सरूप महाराज जी का छपवा लिया जी चैना च छेड़छाड़ भी की और यूपीएस राही गुरुद्वारिया च वंडने शुरू कर दिते सिगटा पीण वाले गोरे जिवें पीजा वंडदे आ इवें सरूप वंडदे वेखे फड़े गए फड़ लै हुण उह सरूप कित्थे आ मेरे वीर भाई सविंदर सिंह वड्डे भरा ने वो अपनी जगह है पर सिद्धांत अपनी जगह है ये मैनू कुछड़ चुक के कुटदे भी है ते कुछड़ चुक के गल भी लाउंदे आ निका है तोरिया भी है मैनू इन्हां ने बापू दर्शन सिंह उन्ना प्यारे सवीर नूं नहीं सी करदा जिन्ना सानू करदा सी वो साडी खातर अमरीका छड के उत्थे बैठा रहा सविंदर सिंह मैं उन्हां नूं नहीं छड सकदा मैं उन्हां कोल ही मरना है उत्थे ही रहना वो बाबा दर्शन सिंह जिहदियां अखां भी कम नहीं सी करदियां सानू अखां वाले बना गए वो बाबे सारी जिंदगी गुरु घर की चाकरी करने वाले उन्हां गुरसिखां की बदौलत बेशक मेरा वीर है पर जिहड़ी अकाल तख्त ने 9 मैंबरी बनाई उन्हां च ते वीर जी भी हैगे फिर दसण उन्हां दोषियां दा की कीता ते गुरु साहब दे सरूप कदों इकत्र होणगे कदों गोइंदवाल साहब जाणगे ते कौण खड़ू किहड़ा जथेदारे दी स्टेटमेंट दिओ ये जवाब भी तुहानूं संगत नूं देणे होणगे भावें तुसीं मेरे भरा हो मैं रहना भी इन्हां कोल ही कुटणगे भी मैं पर कोई परवाह नहीं और मैं छड्डणा भी नहीं इन्हां नूं मेरे भरा ने इन्हां ने मैनूं तोरिया है ये मत सोचियो भी ये कट्ठे आए ने ते शायद रल गए होणगे नहीं गुरु साहिब दे सिद्धांत वास्ते नहीं रलिया जा सकदा इत्थे कोई पुत भरा नहीं सिद्धांत विच इत्थे ते सिक्खी दी गल आउणी इत्थे खून दे रिश्ते नहीं आनंदपुर साहब दे रिश्ते निभदे आ इलैक्शनां नहीं सिलैक्शनां निभदियां इसलिए वो जिहड़े दोषी ने उन्हां दा की कीता है सरूप कित्थे कित्थे है ते जे तुसीं इहदा निचोड़ ना कढ़िया भविख च की होऊ दो सरूप होणगे असली किहड़ा है भुलेखा पै गया ना जिहड़ा शरारती उत्थे बैठा है उन्हें 5000 साल पुराना एक ग्रंथ कढ लिया किसी मठ दे विचों उन्हूं लाइव जनतक कीता जाऊ ते फिर आख्या जाऊ ये पंजवां वेद अज लभिया जी 5000 साल पुराना सिखां ने साडे ग्रंथ की नकल मारी हुई है रब करे झूठ होवे पर ये तैयारी है अगलिया की तुहाडे को की दस्तावेज है दिओ
ना तुहाडे को दमदमी बीड़ है ते किथे है, ना तुहाडे को कोई विरासत बची, तुसी कार सेवा दे ना ते ढा दित्तियां ने, बाबे बुड्ढा साहिब ने नहीं सी तोड़न दिंदे। गुरु के बाग असी कुवाड़े फेरे ने, इत्थे गोरियां दे तुसी लैंड ऑर्डर मानदे हो कि घर च लगा रुख नहीं वढ़ना, उत्थे गुरुद्वारे बढ़ाई जांदे हो बाबियां नूं पैसे दे दे के। इह कीड़ी सिखी है, छड्डिया कोई दरख्त गुरु घर च सी, पढ़ रहे ने पौन गुरु, ला रहे ने पत्थर गुरु, पढ़ रहे ने पानी पिता, बेड़ा गर्क भी पानी दा ही कर रहे, बेच दिते ने, रख ले ने रोड़न वाले, पढ़ रहे ने माता धरत महत, मां छड्डी बैठे है, जम्मण वाली भी इन्हां नूं चंगी नहीं लगदी, पता लग जे पहला काका है ते दूजा न्याणा नहीं जम्मण दिंदे, धी ना आ जाए। ये हालात ने, धी भैण पत्नी मां दा अदब सी हुण नहीं हैगा, ते मैनूं खिमा करे हुण बीबियां भी ओह आ गईआं, ओह बराबरता पालदियां ने, सानूं बराबर ते बिठाओ, भैणे तेनूं कौन समझावे, तेरी प्रोटोकॉल है, तूं नानक जम्मिआ है, नानक ने तेनूं नहीं जम्मिआ, तू नानक हजारा जम सकती है, हजारा नानक मां नहीं जम सकती, प्रोटोकॉल है। गुरु नानक साहब मां मेनू लोग परमेश्वर आखते हैं, पर मेरा परमेश्वर तू है, जन्मदाती है, खालसे की मां है, कौन समझावे जी। इत फिर कल नू कहणगे बराबर च एक काका घरवाली जम्मू, एक घरवाला जम्मिया करी, इतना बराबरता हो, कमाल है यार। नारी पुरख परमेश्वर ने पैदा किए, तुसी चैलेंज कर रहे, गलत है। फिर आखो कि गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी भी बीबियां दी क्यों नहीं लिखी, ये कुछ सवाल थोड़े ने बेतुके, ये नहीं चंगी गल। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे, माता धरत कुख है ते कख है, कुख नहीं तां कख नहीं, इसलिए तुसी बहुत वड्डियां बोले सो निहाल। बीबे नानक की रबाब दे के नानक नू तोर सकदी है, पर नानक दे नाल नहीं गई थां थां ते, नानक नू तोरन वाली अखवाउणा ना, इहदे बैकअप ते कौन है नानक दे, बीबे है। गल तां इह वड्डी सी, खालसे दी मां कौन है, माता साहिब कौन है, पर खालसा मां नहीं माता साहिब कौर दी हो सकदा, इहदे पैदा किते होए मुकणे नहीं, ते जे मां ही मैदाने जंग च लै आंदी, मां ही कतल हो गई, फिर जम्मणे बंद हो जाणगे, इसलिए प्रोटोकॉल है, इहनूं समझो। माता धरत महत, मां बोली, आ तुहाडे जम्मदे न्याणे अंग्रेजी बोलदे ने, उत्थे हिंदी बोली जांदे आ, घरां च तुसीं गुरमुखी नहीं बोल रहे, आपस विच तुसी गुरमुखी च गल नहीं करते, जदों भरा नूं भरा मिलदा चाह चढ़ जाना चाहिए, अज यार पंजाबी च गल्लां होणगियां, गुरमुखी च होणगियां, पर नहीं दिस रहा ना। मां बोली, मां जम्मण वाली, मां धरती, बिहार का बंदा 2000 की टिकट लैके पंजाब जा रहा, कित्थे चलिया, बिजनेस कर, उत्थे 2 करोड़ कट्ठा करके टिकट लई बैठा है, किथे चले हैं, अमरीका मरना है लेबर करनी जाके 40 लाख लाके, दिल्ली दा काका पंजाब मुख्यमंत्री बनन नू फिरदा है, पंजाब दा काका दिहाड़ी लाउन आस्ट्रेलिया नू तैयारी करी बैठा है, पढ़ रहे ने माता धरत महत, किथे है मां, किधर चले हैं छड़ के नू, ये जम्मण वाली है, बचा लो इस नू। फिर शेरे पंजाब ने मरन वेले कहा सीगा, मैं शरीर छड़न लग्या, आखरी दीवान होया सरकार खालसा दा, दरबार खालसा लगा, शेरे पंजाब कहिंदे, सिंगो खालसा जी, मैं हन्ने हन्ने दी सरकारी दे मणके तोड़ दिते आ, निक्कियां प्रधानगियां खत्म कर दित्तियां, मैं कैंठा बनाया, कट्ठे करके सरकार खालसा बनाई, मोती बना दिता है तुहानू, इहदे च परुचे रहो, जिथे भरा मुड़का डोलन उथे खून वा दियो, पर भरा दे उत्ते लेजा ना कढ बैठे, भरा लई ढाल बनियो, भरा लई कृपान ना बन जायो। असी अज आ गोलकां दे चक्कर च, प्रधानगियां दे चक्कर च, पग्गां ही गुरुद्वारे च ला दित्तियां, ते मेरे वर्गा पग दी लड़ाई एयरपोर्ट ते लड़दा फिरदा है, उत्थे लड़ रहे हैं, ओह कहिंदे तुहाडियां ते गुरुद्वारे च लाई जांदे, कहिड़ी पग दी गल करदे,
जवाब की है? व्यावां दे उत्ते भंगड़े पाउंदे पग्गां ला रहे, पग्गां वाले गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्हां नूं कोई नहीं रोक रहा। अब पिछले दिन एक सिर फिरिया सरकारी सरदार पग्गां च सिर फसाउण वाला, वह कहिंदा सी गुरु नानक साहब विष्णु दे अवतार ने जी। एक पिछे बोलिया जी पांच प्यारे हिंदुओं विचों सन, कमाल है यार, असी किसी के खिलाफ नहीं हाँ, पर किसी की आइडेंटिटी खत्म करने के हक विच भी नहीं, ये गलत है। उन्हां बंदियां नूं अमरीका च सरोपे दिते जा रहे जी, ते सानू कहिंदे कीर्तनी करियो बोलियो ना। दसो वड्डियां वड्डियां स्टेजां वाले दमगजे मारन वाले पंथक खवाउण वाले कित्थे खड़ा पंथ? ते मैं मुबारकबाद दिंदा तुहाडे इन्हां प्रबंधक वीरां नूं जिन्हां ने गुरमत नूं वी तकड़े होके संभालण दा जतन करदे ने, ते कहिंदे ने कि तुसीं साडे आके भाई साहब कीर्तन करो। मैं अरदास करदा तुहाडे वास्ते, वाहिगुरु तुहानूं आत्मक बल दे। और जदों भी किते तुहाडे गुरुद्वारे च चोण सिस्टम की गल होवे, बाबा बुढ़ा साहिब बन जायो, सुनाओ सारी संगत ने अज प्रबंध चुनना है, पंज बाणियां किनू आउंदियां ने हाथ खड़े करिए, अमृत किन्ने छके आए हाथ खड़े करिए, कुरैत किन्ने नहीं कीती हाथ खड़े करिए, एग्रीमेंट कौन देऊ मैं पूरा उतरूं हाथ खड़े करिए, उन्हां दियां परचियां पा लवांगे, जिहदी निकल आऊ साडा सेवादार हो प्रधान सिलेक्शन। ते मैं ये भी बेनती कर जाना तुहानूं, तुसीं काल तख्त साहिब नूं लैके बहुत चिंतित हो, साडा जिंद जान है साडी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडी है, कब्जा किसी का हो सकता है, पर उन्हें छुड़ाने वास्ते इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की लोड़ है। ते जो सिलेक्शन वालियां दी सूची तैयार करनी होवे, बिना दसे पुछे मेरा नाम पहला लिख लियो, मैं गोल कचोर नहीं, मैनू प्रधानगी की भुख नहीं, बेनती करता है। ते जेड़े चुनने ने वो करनगे की, वो आपां सारियां ने मोर लाउणी हो, नहीं करदे ते फिर उन्हां दा की करना, ये भी लिखिया हो, ये नहीं कि हुण प्रधानगी मिल गई। गुरु ग्रंथ साहिब ना जो मर्जी हो जाए, कोई कानून नहीं, पर किसी बंदे के खिलाफ हो जाए तो 500 मीटर तो गुरुद्वारे च वड़न की पाबंदी, ये कानून बनाए हैं। गुरु की गोलक कोटा विच क्यों लगे? गुरुद्वारा निजी प्रॉपर्टी क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब जी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पंचायती गुरु है, धुर की बाणी है, उपदेश चौं वरना को सांझा है, ये किसी दे अपना प्यो पुत्र का परंपरावादी घर नहीं है, संप्रदायी नहीं, एक धर्म है, धार्मिक है, वो जिहड़ा सारियां वास्ते है। गुरु रहमत करन ते तुहाडे को सहयोग मंगदा है, पैसे नहीं, आ जिहड़े तुसीं मैनूं एक एक दित्ता बहुत है मेरे वास्ते, मेरा सरदा है, नाल लैके कित्थे मरना, इत्थे ही रह जाणा, बखेड़ा ही खड़ा होना, दिमाग ही सुतुलन बिगड़ना, जिन्ने क चाहीदे ने बहुत है। एक सहयोग जरूर कर दिओ, सानूं 4 साल हो गए बैठे, तुसीं एक मैसेज पा सकदे हो अपने मोबाइल तो, फेसबुक तो, ईमेल तो, मुख्यमंत्री नूं, प्रधानमंत्री नूं, जथेदार नूं, भाई साहब आ होया तुसी की कीता, अजे सिख पुछ रहे। 4 नवंबर नूं 4 साल हो जाने, 5वें दी शुरुआत है, उत्थे समागम कीता जाना है, जिन्ने तुहाडे परिवार ने उन्हां नूं फोन करो भी अज तक तुसी उत्थे क्यों नहीं गए, तुहानूं 328 पावन सरूपां दे गबन दा पता क्यों नहीं, जे प्यो ही ना रहा कदी जिंदगी है यार। बापू ते हमला होया है, इन्हों बेअदबी ना कहो, ये होंद ते हमला है, खत्म कर दिओ गुरु ग्रंथ साहिब, क्यों इत्थे सिख नहीं दिसने चाहिए, उत्थे हो जाए ते गुलामी, इत्थे हो जाए ते कानून, नहीं ये भी गल्लां नहीं करदियां, खड़ना है। मालक रहमत करन, जिन्ने शरीर आप जी आए हो, मैं समा तुहाडा वध जरूर लिया है, क्योंकि 50 मिनटां ना मेरा नहीं सरदा, कीर्तन भी करना है, गुरु की गल भी खवानी, तो पंथ की गल भी करनी है, तो न्याणे 4-4 जम लियो, पैसे ना कट्ठे करी जाओ, इत्थे रह जाने, सरकारां ने सांभ लैनियां प्रॉपर्टियां,
ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ 70 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚੜਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਿਣੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਣੇ ਕਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਬੇਬੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕੋਠੀਆਂ 3 ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਪੜਾਕੂ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਈਆ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 12 ਨਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਲ ਜੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰ ਲਓ। ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। 1840 ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਈਡੈਂਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਹੋਰ ਜੰਮ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਤੇ, ਪੰਜਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। 12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਖੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਿਓ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਕੜੀਸੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਚਪੇੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਓ ਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਿਓ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਰਕ ਵਾਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਗਤ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਹੋਂਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।
अमृत जरूर छकियो, गुरु का हुक्म है, इसी जन्म छकना है, बेअमृती नहीं मरना। सतगुरु अपने बना के लैके जाए, माड़ी गल नहीं चंगी गल। दूसरा, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिन से शस्त्र जरूर पायो, पर एक प्रण करो, बाबा जी जिहड़ी सरकार खालसा की तुसीं नहीं रखी है ना, असीं उहनूं मुड़ खड़ा करन दा ऐद करदे हां। ये बहुत जरूरी है, इंसाफ लैना है, खालसा सरकार तो बिना नहीं मिलना। तुहाडा घर होना बहुत जरूरी है, वह घर नूं खत्म करन ते लगे हुए हैं। इसलिए बाबे दे जन्मदिन ते साहिबजादियां नूं याद करियो, उन्हां दी खातर डुल्ले हुए खून नूं बाबा लैके तुरिया सीगा। गुरु कृपा कर, शस्त्रधारी भी होना है। खालसा मेरो रूप है खास, ऊड़ा जोड़ा सिंह कौर कलम कृपान बाणी बाणा, उहदे नाल अहद करना जरूरी है। सरकारी खालसा दरबारी खालसा, राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरे गावे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।